कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की वजह से एक बार फिर से जीनोम सीक्वेंसिंग की जरूरत सामने आई है। जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए सैंपल प्रदेश से बाहर भेजने पर रिपोर्ट आने में 2 सप्ताह का वक्त लग जाता है। इतने समय में मरीज से संक्रमण और ज्यादा आगे बढ़ने का खतरा बढ़ रहा है। देखिए, कोरोना महामारी को देखते हुए 5 महीने पहले चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने भोपाल में जीनोम सीक्वेंसिंग की मशीन लगाए जाने की बात कही थी, लेकिन अभी तक मशीन नहीं लगी है। कहा जा रहा है कि NSDC की वजह से अभी ये मशीन नहीं लग पाई है। टेस्टिंग हम तीव्रता के साथ करा रहे हैं, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हम लगभग 50 लोगों की कर रहे हैं, वैक्सीनेशन को लेकर हम लगातार अभियान चला रहे हैं। 25 दिसंबर तक हम टारगेट सेगमेंट के दोनों डोज लगाने की स्थिति में रहेंगे। चिकित्सीय व्यवस्थाओं को लेकर हमने पूरी तरह तैयारी कर ली है। जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन से वायरस के बारे में पता चलता है कि ये कौन सा वेरिएंट है। डॉक्टर्स का भी कहना है कि ये मशीन बेहद जरूरी है। इस मशीन के लगते ही नए वेरिएंट को लेकर रिपोर्ट 2 हफ्ते की जगह महज 5 दिन में मिल सकेगी। चूँकि वायरस है और इसका लगातार म्यूटेंट होता है, म्यूटेशन लगातार होता है, तो यहाँ पर जीनोम सीक्वेंसिंग जो मशीन है उसका होना बिल्कुल, ये समझ लीजिएगा, अनिवार्य है, होना ही चाहिए। अगर किसी कारणवश नहीं आई है तो बिल्कुल सरकार को जल्द से जल्द इस मशीन की स्थापना मेडिकल कॉलेजेस में ख़ास तौर से कर देनी चाहिए, क्योंकि सारे टेस्टिंग, सारे जो मरीजों का इलाज है, चाहे वो क्रिटिकल हों या किसी भी तरह के हों, उनको यहाँ आना, वो मेडिकल कॉलेजेस लेवल पर ही आते हैं। वहीं जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन नहीं लगने पर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। मशीन नहीं लगाए जाने के लिए विपक्ष सरकार के सुस्त रवैये को जिम्मेदार बता रहा है। सरकार ने ये बताया था कि जीनोम सीक्वेंसिंग की हम एक लैब स्थापित करेंगे, मगर आज तक उस लैब का कोई पता नहीं है। उससे फ़र्क ये होता है कि जैसे अभी UK के 2 पेशेंट्स आए थे, उनको 20 दिन तक बंधक की तरह यहाँ रखा गया, क्योंकि हमारे पास लैब नहीं थी, इसलिए हम डिपेंडेंट थे पूना और दिल्ली की वायरोलॉजी लैब पर। तो मैं आग्रह करता हूँ कि जल्द से जल्द, अब जब चूँकि समूचे विश्व भर में ये कहा जा रहा है कि 3rd वेव दस्तक दे रही है, तो सरकार को इसको गंभीरता से लेना चाहिए और युद्ध स्तर पर इस लैब की स्थापना करनी चाहिए। कोरोना के नए वेरिएंट को जानने के लिए ये मशीन बेहद जरूरी है। मध्य प्रदेश में अगर ये मशीन लग जाती है तो ओमिक्रॉन जैसे वेरिएंट के तेजी से फैलने पर कंट्रोल किया जा सकता है। ओमिक्रॉन वेरिएंट के सामने आने के बाद एक बार फिर जीनोम सीक्वेंसिंग की बात कही जाने लगी है। मध्य प्रदेश में 5 महीने पहले ये कहा गया था कि 2 सप्ताह के अंदर जीनोम सीक्वेंसिंग की मशीन लग जाएगी। कमला नेहरू अस्पताल में मशीन लगना था, लेकिन 5 महीने बाद भी अभी तक मशीन नहीं लगी है। स्वाभाविक रूप से ये बात तभी पता चलेगी कि कोरोना का कौन सा वेरिएंट पेशेंट के अंदर है, जब उसकी जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट आ जाएगी। ऐसे में ओमिक्रॉन वेरिएंट मध्य प्रदेश में एक दहशत तो बनाए हुआ है, लेकिन साथ ही एक बड़ी समस्या ये है कि इसके मरीजों से ये पता ही नहीं चल पाएगा कि इनको ओमिक्रॉन वेरिएंट है या नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट हिमांशु के साथ नितेंद्र शर्मा, न्यूज़ स्टेट, भोपाल।